बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्रेश टिप्स एंड ट्रिक्स। वेलकम करता हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि स्नैपिंग टूल कैसे काम करते हैं। लेकिन वीडियो से होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ बिल का आइकन भी दबाएँ ताकि आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किसी भी जगह आप नेट से या कोई भी चीज़ ओपन करें नेट में, आप वर्ड में काम करते हैं, आप सी बना ले या कोई और वो पीडीएफ फाइल हो या जेपीजी फाइल हो या पीएनजी फाइल हो, जो भी फाइल हो आप इससे आप उसे तस्वीर ले सकते हैं। ठीक है, आप उसे जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो वर्ड भी फाइल में या पीएनजी फाइल है जो भी है, स्नैपिंग टूल की मदद से आप उसे कॉपी लेते हैं ले सकते हैं और उसे जेपीजी में सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ सर्च पर क्लिक करें, यहाँ पर SN लिख के, ठीक है, SN मैंने लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास स्नैपिंग टूल ओपन हो गया। ये स्नैपिंग टूल, स्नैपिंग टूल की मदद से हम यहाँ से ये तस्वीर लेते हैं। ठीक है, यहाँ न्यू पर क्लिक करें और यहाँ इस तस्वीर को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा और इसमें फाइल पर क्लिक करें, फाइल पर क्लिक करें और यहाँ सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम का जगह आ जाएगा और यहाँ पर जगह आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख के प्रेस करें। हमने लिख दिया असद, असद नाम दे दिया हमने उसको और फिर सेव किया। ठीक है, हमारे पास मैंने स्नैपिंग टूल की मदद से अपने यूट्यूब की चैनल की एक तस्वीर जेपीजी में कन्वर्ट कर दी। ये तस्वीर है स्नैपिंग टूल में, मैंने ले लिया अपनी यूट्यूब चैनल से। फर्ज़ करें हम दूसरी मरतबा एक चीज़ लेते हैं स्नैपिंग टूल से। ठीक है, स्नैपिंग टूल का विंडो ओपन हो गया, फिर हम यहाँ पर आते हैं और एक वीडियो से तस्वीर लेते हैं। ठीक है, फर्ज़ करें हम एक वीडियो, फनी वीडियो क्लिक करते हैं, बस का फनी वीडियो। ठीक है, हम नेट से वसूल करते हैं, नेट से एक तस्वीर लेते हैं। ठीक है, हमने उस वीडियो पर क्लिक किया, वीडियो ओपन हो गया। वीडियो ओपन हो गया दोस्तों, हम यहाँ से एक तस्वीर लेते हैं वीडियो से। पर हम इसे इस मंकी की तस्वीर हम लेते हैं। ठीक है, स्नैपिंग टूल की मदद से यहाँ विंडो पर क्लिक करें और यहाँ इस पर क्लिक करें जो तुम सेव करते हो जेपीजी में, वो आ गया, हमने उस पर सेव किया। सेव यहाँ पर नाम दे दे, प्रेस करें, हमने हाँ दे दिया और फिर यहाँ सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आइए डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में ये तस्वीर सेव हो गया। ये तस्वीर मैंने नेट से ले लिया, एक वीडियो से ले लिया। ठीक है, तुम वीडियो से भी तस्वीर ले सकते हो और जेपीजी में सेव कर सकते हो। ठीक है, यह था तरीका स्नैपिंग टूल का। स्नैपिंग टूल बहुत अच्छी चीज़ है, तुम किसी भी जगह से तस्वीर ले सकते हो और अपने पास जेपीजी में सेव कर सकते हो। यह था तरीका स्नैपिंग टूल का। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।